अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। इस नेक दुआ के साथ जहाँ भी रहें खुश रहें और हंसते मुस्कराते रहें। तो आज का मौसम बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है। तो आज मैं ऊपर टेरेस पे आई हूँ, तीसरी मंजिल पे ऊपर आई हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने मनाजर पहाड़ों के। तो ज़बरदस्त मनाजर हैं, देखो बादल छाए हुए हैं, थोड़ा सा वक्फा हुआ है तकरीबन। मैं तो कहती हूँ कि जल्दी बारिश लग जाएगा, तो मैं आपके साथ एक रेमंटी शो वो करूँ शेयर करूँगी, वो ज़बरदस्त है। क्योंकि काफ़ी दिन होंगे मैंने अपने फेस पे लगाना था, लेकिन मैंने सोचा कि फटोफट आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि इसको मैंने ज़्यादा नहीं करना था, आपके साथ शेयर करना था। तो चलो मैं आपको बताती हूँ रेमंडी क्या है मेरी। ये है स्पेशल फेस के लिए, ये अपने चेहरे को खूबसूरत बनाता है और दिलकश नज़र आता है और चमकदार हो जाता है, दाग धब्बे हर चीज़ परफेक्ट ख़त्म हो जाती है। 100% मैं रिज़ल्ट दूंगी। एक दफ़ा आपने इस्तेमाल करना है तो देखना है इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें भी इस्तेमाल जो घर में मौजूद होती हैं वो चीज़ें इसमें इस्तेमाल होंगी। ये होगा, मच्छर भी बहुत आ रहा है, ऊपर है बारिश हुई, हर किस्म का कीड़ा मकोड़ा निकलता है। तो एक चम्मच में इसमें टमाटर का जूस लूँगी, सिंपल सा ये टोटका है, और आधा चम्मच में इसमें मीठा सोडा लूँगी, एक चम्मच में इसमें चावल का पानी इस्तेमाल करूँगी, और आधा चम्मच में इसमें वाइट वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल करूँगी। तो चलो शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टमाटर का मैं एक चम्मच इसका पेस्ट लूँगी। ये बहुत आसान सी रेमेडी है और इसका रिज़ल्ट 100% है। तो रमज़ान गुजर गया तो मैंने अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया था, तो आज मौसम भी है, काम भी नहीं हो रहा, बारिश है, तो मैंने सोचा कि चलो आज कुछ फेस पे लगा लेते हैं। तो और काम तो होता नहीं है, चलो आज फेस की कुछ वो सफाई सुथराई कर लेंगे, क्योंकि अगर रमज़ान गुजरता हमने कुछ भी नहीं किया था। तो आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो चलो माशाल्लाह मैंने एक चम्मच यहाँ से निकाल दिया है, ये डाल दूँगी, और बाकी ये टमाटर को ज़्यादा नहीं करना है, ये अपने हाथों पे इसी तरह ऊपर से मल लेना है, ये ना कि आप फेंक दे। महंगाई है आजकल, महंगाई का दौर है, ज़्यादा नहीं करना चीज़ को। अच्छा, ये मीठा सोडा है, आम जो सोडा हम किचन में इस्तेमाल करते हैं वो है, ये हम इसमें डाल देंगे। अच्छा, ये थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कर सकते हो, क्योंकि जितनी आपको ज़रूरत है ना, अगर दो औरतों ने लगानी है तो आपने दो चम्मच कर लेनी है, एक ने लगानी है तो एक ही काफ़ी है, एक चम्मच। अच्छा, इसमें मैं ये वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल करूँगी। टूथपेस्ट जो है वाइट कलर का होना चाहिए, कलर में नहीं होना चाहिए, और कोलगेट का रिज़ल्ट जो है ना ये बेस्ट है, ये याद रखें। अगर घर में ना हो तो दूसरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। ये हो गया, अब इसमें ये चावल वाला पानी है, मैंने 24 घंटे भिगो के रखा था, वैसे भी मैं अपने फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि ये वैसे भी चेहरे पे लगाएं तो ये बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। इंसान पूरा फुल 100% गोरा हो जाता है अगर रात को लगाए, और रोज़ लगाएं, एक दिन से कुछ भी नहीं होता। ये मैं इसमें शामिल करूँगी, अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी। ये देखो एक क्रीम सा बन गया है, यकीन जाने इसको लगाओगे ना चेहरे पे तो इसका रिजल्ट आप खुद चेक कर ले। एक दफ़ा करना है आपने, एक दफ़ा आजमा के देख लें कि आपका इतना शाइनिंग आ जाएगी चेहरे पे, आपने इसी तरह चेहरे पे लगाना है।
तकरीबन लगा के इसी तरह मसाज कर लेना है, इसी तरह लेकिन इसी तरह काफ़ी टाइम आपने मलना है अपने चेहरे को, ताकि ये बिल्कुल आपका चेहरा जो है ना स्मूथ हो जाए, बिल्कुल मुलायम हो जाए। फिर आपने क्या करना है, सादा पानी के साथ धो लेना है। इसी तरह आप हाथों पे भी लगा सकते हैं, पाँव पे लगा सकते हैं, पूरे फुल चेहरे पे लगा सकते हैं। इसी तरह आपने मलना है। अभी मैं आपको बल के दिखाती हूँ ना, मेरा हाथ जो है ना देखो, थोड़ा सा मैंने मल लिया तो इसका देखो चेंज हो जाएगा, वाइट हो जाता है इसका बिल्कुल। तो आपने इसको हफ्ते में एक दफा लगाना है। तो इसी तरह अगर आप लगाते रहेंगे ना, तो आपका चेहरा जो है बिल्कुल झुर्रियां भी खत्म हो जाएंगी और आपका कलर भी बिल्कुल साफ हो जाएगा, वाइट हो जाएगा और ये हो जाए कि मुलायम भी हो जाएगा। तो ये चावल का पानी तो वैसे भी रात को सोते वक्त ज़रूर लगाया करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। क्योंकि मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ, घर में हम काम करते हैं तो हाथ से ये हाथों की भी सफाई भी हो जाती है। और ये देखो कितना अच्छा, आप देखो जितना टाइम गुजर रहा है ये क्रीम सी बन रही है। ये तो मैं आपको वीडियो के लिए बना रही हूँ, थोड़ा सा इसको टाइम दे दें, इतना मुलायम सा ये क्रीम सी बन जाएगी। तो आराम से आप चेहरे पर लगा सकती हैं। तो ज़रूर ये वाली रेमेडी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो अपने यूट्यूब ख़त्म करके मैं अपने खुद अपने चेहरे पे लगाने जा रही हूँ। तो आपके साथ मौसम भी शेयर करूँगी, आप ज़रा मौसम करें कितना खूबसूरत मौसम बना हुआ है। तो अगर मेरी ये वाली वीडियो आप लोगों को अच्छी ज़रूर लगी होगी, तो मेरे वीडियो को लाजमी लाइक ज़रूर करना। आप लाइक नहीं करते हो और कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि हमारा इलाका आप लोगों को कैसा लगता है। ज़रूर अच्छा लगता होगा, क्योंकि मैं इतने अच्छे अच्छे सीन आपके साथ शेयर करती हूँ। तो कमेंट्स में आपने लाजमी बताना है कि ये वाला इलाका आप लोगों को कैसे लगता है। तो इस दुआ के साथ अपने वीडियो को एंड कर रही हूँ। अल्लाह ताला हम सब को दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सब पर करम करे, फजल करे। अल्लाह ताला हम सब को रहमत के साए में रखे। बहुत से दुआओं के साथ जेब निसाब के दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।